हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 8B। ओके, ये कोई न्यू फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला जो जनरल टर्म का एज किया सेम ही यूज करना। नाउ इतने सीधिया टर्म्स फाइंड करोगे, फर्स्ट समा फाइंड दी मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म कढ़नी है। नाउ ये किमें कढ़ांगे, अपन पता मैं तुम्हें एज दसिया भी टर्म्स टोटल किनिया आनगियाँ, एक डिपेंड करता जिनी पावर है वो वन प्लस कर देना। दिस मीन हेयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किनिया आनगियाँ 11। नाउ 11 की मिड टर्म थोड़ा पता ही है की होगी 6। 5 उधर छड़ांगे, 5 उधर, 6 होगी यदि मिड टर्म। दिस मीन असी की फाइंड करना, T6। तो फार्मूला ला देंगे, T6 किदा फाइंड होगी, जे इतने की भरेंगे असी 5, तो R5 N है, X है, Y है, तो तुसी सारा कुछ फिल कर दोगे। दैन फार्मूला लाया, फैक्टोरियल खोलिया, ठीक है, पावर एक्स 10 माइनस 5, 5 रह जू, 3 की पावर भी 5, 9 की 5, वाई दी 5। नाउ फैक्टोरियल नू सॉल्व करोंगे, थोड़ा ए आ जाना 252। नाउ हुण पावर नू सॉल्व करना, 9 नू असी की लिख सकते हैं, 3 दी पावर 2 रेस टू पावर 5, ये किन्ना बन गया 10। ते आ 3 नीचे पिया, ए उपर आके माइनस हो जू, पावर माइनस हो जाती होंगे जे डिवाइड च बेस पै हो, एक्स रेस टू पावर 5, वाई रेस टू पावर 5। नाउ 3 दी पावर 5 नू सॉल्व करोंगे, 243, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 61, 236 आ गया इनटू दिस। ये थोड़ी मिडल टर्म आ। इस विच जिहड़ा अगला सम है तुसी नहीं सॉल्व करोगे, अगर किसी को ओल्ड मैथ है उदे विच एक्सट्रा सम है मिडल टर्म से इन्हां नाल दी कॉन्सटेंट पावर दे विच, तां उह तुसी जरूर सॉल्व कर लो। ओके, सैकेंड सम इहदा नहीं सॉल्व करना। थर्ड सम राइट एंड सिंपलीफाई दी टर्म इनवॉल्विंग, राइट करनी है तुसी ते सिंपलीफाई करना, एक्स पावर 5 जिहड़ी उह टर्म लैनी है जिहदे विच एक्स रेज टू पावर 5 आवे, ठीक है, आ एक्सप्रैशन की। तो हुण इह किवें सॉल्व करना है, सैकेंड टाइप के सम आ। तो सब तो पहला असी जनरल फार्मूला ला देना, ठीक है, तुहानू एन फाइंड आ पता की वह भर दो, ठीक है, एक्स पता वह भरती, वाई पता वह भरती, आर इत्थे आपां नूं नहीं नोन हैगी। ओके, उहनू एज इट इज़ लैके चलांगे। नाओ इत्थे की आजू, माइनस 1 की पावर आर ते एक्स की पावर आर, उपर जाके वह की बन जानियां माइनस आर, इत्थे एक्स की पावर किन्नी आ 11 माइनस आर, बेस सेम आ, पावर ऐड हो जाणगियां, ठीक है, तो यह कि बन गया एक्स रेस टू पावर 11 माइनस 2 आर। नाउ हुण आपां टर्म कि चाहिए आ साढ़े समझ, कहना टी आर प्लस 1 कंटेन एक्स रेस टू पावर 5, ये चाहिए आ। तो यह कदों आऊगी, जदों एक्स की पावर 5 होवे, एक्स की पावर पर हुण किन्नी सी जिहड़ी आपां सॉल्व की आ 11 माइनस 2 आर, तो 11 माइनस 2 आर नू इजिकल टू कि रख देंगे 5 दे, तो इतों आर की वैल्यू तुसीं कढ़ लैनी आ, 3 आजू, दैन उहनू पुट कर दिओ फॉर्म च, तो थोड़े को T4 टर्म्स आ गई जिदे एक्स रेज टू पावर 5 आ रही है। इनू सॉल्व किया फैक्टोरियल नू, वो थोड़े को 165 आ जाना, माइनस 1 की पावर ऑड आ, वो की निकलूगा माइनस का, तो थोड़ी आ आंसर आ गया इनवॉल्व वाला, ठीक है। अगर यह पूछा हुंदा कॉफिशेंट, ठीक है, जिमें नैक्सट सामा कॉफिशेंट, तो तुसी की लिखते, कॉफिशेंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, थोनू पता कॉफिशेंट की हुंदा, वेरीएबल दे अगे लग्या होया कॉन्सटेंट विद साइन, तो यह कॉफिशेंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 की आना सी माइनस 165। तो तुसी अज ये 3 सम सॉल्व करने हैं, दिस एंड दिस दीज 2। ओके, ये 3 सम कढ़ने, इन्हां विच कॉफिशेंट फाइंड करना, पहला एक्स नू सॉल्व कर लेना एस वे दे नाल ही, दैन उन्हों इक्वल टू कि रख लेना, वो पावर नू 10 दे, उतों आर की वैल्यू निकल आऊ, दैन सॉल्व करके थोड़े को एक्स दे विच इस तरह आनगियां आने आंसर, बट तुसी कला कॉफिशेंट लिखना, तो कॉफिशेंट इजिकल टू पा के की लिखोगे जिहड़ा कला कॉन्सटेंट होगा। तो यह 3 सम अज तुसी सॉल्व करने, यही होमवर्क है। थैंक यू।